खराब सिबिल स्कोर को कैसे सुधारा जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए जिससे लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल सके। हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया सिबिल स्कोर क्या है, सिबिल स्कोर का निर्धारण कैसे होता है, सिबिल कैसे काम करता है और इसकी भूमिका क्या होती है, और कितना सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है और कितना खराब। इसके बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको सिबिल स्कोर को समझने में आसानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो कैसे सुधारा जाए और अच्छा बनाया जाए, इससे आपको लोन मिलने और क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना आए। चलिए जानते हैं खराब सिबिल स्कोर को कैसे सुधारा जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए। सबसे पहले जानते हैं सिबिल स्कोर क्यों होता है खराब। सिबिल रिपोर्ट में आपके खाते जैसे बैंक खाता, लोन और क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी होती है। सभी जानकारियां सही होने पर DPD यानी क्रेडिट कार्ड के बिल या किसी लोन की EMI के भुगतान में कितने दिनों की देरी हुई है आदि से बनता है। DPD सिबिल स्कोर रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये बताता है कि किसी खास महीने में आपने क्रेडिट कार्ड के बकाया या लोन की EMI के भुगतान में कितने दिनों की देरी की है। ये देरी ही आपके सिबिल स्कोर को खराब करती है। हालांकि इस देरी का आपके पास सही कारण है तो आप सही कारण बताकर सिबिल रिपोर्ट करेक्शन करा सकते हैं। सिबिल स्कोर कम है तो अपनाएं ये टिप, इससे बनेगा आपका अच्छा स्कोर। EMI को सही समय पर लौटाएं। जब भी आप किसी चीज का लोन लें उसे एक निश्चित समय सीमा में लौटाएं। ऐसा न हो बाकी खर्चों में आप इसे भूल जाएं और समय आते इसका भुगतान न कर पाएं। क्रेडिट कार्ड के बिलों का समय पर भुगतान करें। जब भी आप कहीं पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं समय सीमा के क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करें। ये सिबिल स्कोर को सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। जब क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो उसके बिलों का ठीक समय पर लेन देन करें। क्रेडिट की रेटिंग खराब ना होने दें। लोन दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन यानी सिक्योर्ड लोन, दूसरा बिना कुछ गिरवी रखे लोन यानी इनसिक्योर्ड लोन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक साथ दो से अधिक अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना कुछ गिरवी रखे लोन जैसे बिजनेस लोन, पर्सनल लोन लेने से सिबिल क्रेडिट की रेटिंग खराब होती है। इससे बचने की कोशिश करें। साल भर सिबिल क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें। सिबिल स्कोर अमूमन तब खराब होता है जब कोई व्यक्ति अपने लोन और क्रेडिट का भुगतान ना करे, लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि बिना किसी वाजिब वजह के भी सिबिल स्कोर रेटिंग कम दिखाता है, तो इसके लिए अपना सिबिल स्कोर चेक करते रहें, जिससे कम होने पर आप अपनी ब्रांच से संपर्क करें, इसे सही करवाएं। आपको बता दें अगर बिना किसी वाजिब कारण के क्रेडिट स्कोर खराब हुआ है तो उसे आवेदन के जरिए ठीक कराया जा सकता है। एक साथ कई लोन ना लें। एक ही समय पर एक से अधिक लोन लेने पर क्रेडिट स्कोर खराब होने का खतरा बना रहता है। इसका साधारण सा कारण है कि एक समय पर कई जगहों पर पूंजी देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सलाह दी जाती है कि एक समय पर कई लोन लेने से बचना चाहिए जिससे आपका स्कोर खराब ना हो। तो इन स्टेप्स को फॉलो कर आप अपना सिबिल स्कोर सही भी कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। सिबिल स्कोर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि कैसे क्रेडिट स्कोर की जांच करें, गलती होने पर ठीक करने के लिए क्या करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।